जनता से माफी मांगे भाजपा मनोज मुदगल। मनोज मुदगल ने कहा कि सतीश पूनिया लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, विपक्ष में होने के बावजूद भी वे अपनी मर्यादा भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि कभी बीजेपी वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सरकारी निवास पर नाथिका बाड़ा लिखते हैं तो कभी हमारे मंत्री के घर के बाहर लगाते हैं कि रिट के पेपर यहाँ मिलते हैं। इसके लिए भाजपा को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला किया और रितलेवंदो का पेपर रद्द कर दिया। रीट मामले में एसओजी की जांच चल रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा था कि एसओजी अच्छा काम कर रही है। मुदगल ने कहा कि रीट पेपर लीक प्रकरण रीट पेपर लीक केस में एसओजी ने ही दोषियों के नाम उजागर किए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को निलंबित न कर बर्खास्त किया गया है। रीट पेपर लीक प्रकरण में जो भी शामिल होंगे उन सभी को सजा मिलेगी। रीट मामले में विपक्ष को सरकार का सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस नेता मनोज मुदगल ने कहा कि सतीश पूनिया का बयान निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि सतीश पूनिया अपना बयान वापस लें और इसके लिए प्रदेश की जनता से